Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum family and friends. Welcome to my kitchen, Najus Kitchen. I'm your host, Nazia Ashraf. Today I'm here with the recipe of pizza. Aaj hum bana rahe hain pizza aur flavor hum usko de rahe hain barbecue ka. और ये बहुत ही अच्छी सिंपल क्विक और डिलाइटफुल सी रेसिपी है जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि झटपट सारी रेसिपीज आप तक फौरन पहुंच जाए। पिज्जा के लिए रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो आधा किलो मैदा ले लिया है ठीक है उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर ठीक है 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट 1 pack of yeast, 2 tablespoons of butter, 2 eggs. सबसे पहले साफ हाथों से इन सब चीज़ों को जो है आपस में गूंद लें ठीक है आपस में हल्का सा इसको मिक्स कर लें फिर नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें इसके अंदर और इस तरह आटा गूंद लें ठीक है हमारा आटा जो हमने गूंद लिया है अब हम क्या करेंगे बाउल से निकाल के आपने अपना जो है सरफेस साफ कर लेना है उसको पट मारना है ठीक है इससे क्या होगा बिल्कुल हमारा आटा जो है वो यकजा हो जाएगा और हमारी जो रोटी है वो बहुत अच्छी बनेगी ठीक है ये देखें हमें इसको इतना पट लगाना है कि ये नीचे चिपकना छोड़ दे दोनों हाथों से हल्का हल्का इसको प्रेस कर लें और ये हमारा जो है पिज़्ज़ा रोटी के लिए आटा तो तैयार है इसको हम दो इस डो को हम जो है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग बाउल में रख देंगे क्योंकि मेरे पास जो कंटेनर है ये वाला ये छोटा पड़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने ईस्ट डाली है तो ये भी फूलेगा खमीर बनेगा आटा ये देखिए इसकी देखना हमें कितना पतला रखना है इस आटे को हमने पतला ही रखना है बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं गूंदना डिवाइड करा अब उजर बंद करो बेटा ठीक है एक हिस्सा डिवाइड करा उसको हमने इस तरह डो को जो है गोल करा ठीक है और हमने एक कंटेनर में रख दिया और दूसरे को दूसरे कंटेनर में इसको कवर अप करके जो है रूम टेम्परेचर पे 7 to 8 hours और 9 hours के लिए रख दें लंबे टाइम के लिए इसको हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर में कवर अप करके हमें बिल्कुल इसको एयर टाइट रखना है इसके अंदर एयर जो है वो एंटर ना हो और इसको रख के पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए 2 टमाटर ठीक है और 11 से 12 जो है लहसुन की कलियाँ और 1 प्याली टोमेटो केचप चिली सॉस सोया सॉस कुटी हुई लाल मिर्च सॉल्ट और पिसी हुई काली मिर्च सबसे पहले हम जो है वो टमाटर को और लहसुन को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से स्लाइटली से इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जितना जो है वो ऑयल ऐड करें के अंदर अपना पेस्ट डाल देंगे टोमेटो का और लहसुन का टू टेबल स्पून हम इसकी जो है वो चिली सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 स्पून हम इसके अंदर जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच समझ लें क्योंकि ये एक बड़ा स्पून है तो उसमें 2 टेबल स्पून आता है आँच हल्की कर दें केचप ऐड करेंगे
एक प्याली जी। सही है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर, टू टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर, टू टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम, डिपेंड ऑन योर टेस्ट आप जितना करें। मैंने यहाँ पे जो है 1 स्पून डाला है अभी फिलहाल। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, आँच अब थोड़ी सी तेज कर लें। इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, ठीक है। हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और जो है थिक हो जाएगा। और ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। पिज़्ज़ा सॉस का ये है कि हम इसको सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए यूज़ नहीं करते, कभी कभी हम सिंगापुरी राइस बनाएं, बारबेक्यू राइस बनाएं, पिज़्ज़ा फ्राइज बनाएं, या हम मैक्रोनीज बनाएं, तो डिफरेंट आइटम्स के अंदर जो है हमें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो मार्केट में भी मिलता है लेकिन हम घर में बना लेते हैं, तो ये थोड़ा बरकत वाला बन जाता है और टेस्ट भी जो है वो अच्छा होता है। तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है। हम जो है बारबेक्यू पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए। चिकन हमने क्यूब्स में काट ली है, ठीक है। हमने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो जो है वो चिकन ली है अपनी। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड है शान का चिकन टिक्का मसाला 1 पैकेट, ठीक है। हम शान के पैकेट से हम बनाएंगे। इसके अलावा हमने रिक्वायर्ड है यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट लिया है, और 1 प्याली जो है हमने यहाँ पर योगर्ट लिया है, दही ले लिया है, और इसके अलावा हमें ज़रूरत है तेल की। तो हम अपने चिकन के अंदर जो है सबसे पहले तेल ऐड करेंगे, गार्लिक जिंजर पेस्ट हमने ऐड करा, हमने ऐड की इसके अंदर दही, और अब हमने ऐड करेंगे इसके अंदर शान का मसाला, ठीक है। इसको हम स्टोव पे रख देंगे, ठीक है। ढक्कन हम नहीं ढकेंगे, इसी के चिकन जो है फौरन से जो है वो गल जाएगी, और क्यूब्स हमारे हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करने की ज़रूरत। ये 5-10 मिनट्स में हमारी जो है चिकन रेडी हो जाएगी। हमारी देखिए चिकन हो गई है बिल्कुल, हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको स्मोक करेंगे कोयले से, कोयला भी हमारा रेडी हो गया है। हमने एक छोटी सी प्याली रखी है इस चीज़ की, घी ऐड करेंगे और उसको स्मोक करेंगे। और ये हमारी पिज्जा की जो चिकन टिक्का चिकन है वो भी रेडी हो गई है। हमारा जो है वो रोटी पिज्जे की टोटली रेडी है। अब प्रेजेंटेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे चाहिए चीज़। हमने यहाँ पे आइटम्स के लिए है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने मोज़रेला और चैडर दोनों चीज़ें ली हैं, और हमें दोनों चीज़ की ज़रूरत है। खुली जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ मिलती है मार्केट में, अवेलेबल है, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए अनियन, हमने राउंड में सर्कल में काटा हुआ है, ठीक। और टमाटो हमने बारीक ले लिए हैं। इसके अलावा कैप्सिकम हमारे पास कटी हुई है बारीक, और कैबेज हमारे पास बारीक कटी हुई है। इसके अलावा हमारी जो है बारबेक्यू चिकन रेडी है, और हमारा पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है ब्लैक ऑलिव लिए हैं, ठीक है, और थोड़े से हमने पीनट्स रखे हुए हैं डिफरेंट टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा क्रंची करने के लिए। आप चाहें तो पीनट्स यूज़ करें, बहुत अच्छा इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा, ट्राई कीजिएगा बल्कि आप एक दफ़ा ज़रूर। देखिए आप इसके लिए इस तरह का यूज़ कर सकती हैं कद्दूकश, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसा आप इसको कर रहे हैं और ये देखें बिल्कुल जो है स्प्रेड होता रहेगा चारों तरफ। अच्छे से इसको कर लें क्योंकि उमन होता है हम इसको हाथ लगाते हैं तो ये फौरन से जो है पिघलना शुरू हो जाती है चीज़, तो वो रोटी में जाती ही नहीं है, हाथों में ही रह जाता है। ये देखें बिल्कुल आराम से आप करें, कितने अच्छे से हो गए, ये देखें करीब से लोग देखें। इन सेकेंड स्टेप वी एड अवर पिज्ज़ा सॉस, ठीक है, स्पून से इसको अच्छे से फैला लें चारों तरफ।
In third step, we are putting our cabbage. जो मोटे मोटे कटे हुए हैं उनको प्लीज हटा दीजिएगा, बारीक वाले ही डालिएगा तो थोड़े से खूबसूरत लगते हैं प्रेजेंटेशन में, ठीक है। कैप्सिकम अपने ऐड करेंगे अनदर, नाउ वी एडेड अवर बारबेक्यू चिकन। After we added our tomatoes, then we put our onion, ji meri jaan, okay, shh. बच्चे के साथ ही चलता है। नाउ आई एम पुटिंग पीनट्स ऑन इट, आफ्टर इट वी ऐड ब्लैक ऑलिव ऑन इट, ठीक है। ब्लैक ऑलिव आप डालें, और सबसे आखिर में अब हम ऐड करेंगे अपने चेडर चीज। सेम प्रोसीजर, जी देखिए हमने अच्छे से जो है वो चीज स्प्रिंकल कर दी है। अब हम इसे ओवन में करेंगे 10 मिनट्स, ठीक है, इसको बेक कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की बारबेक्यू पिज्जा की रेसिपी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक झटपट रेसिपी के साथ फिर दोबारा आके आपसे मिलूंगी। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।